की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, जिसका बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गुजरात के अहमदाबाद में दो दलित लड़कों की पिटाई के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एक ढाबे पर पहुंचे इन लड़कों का किसी बात पर वहां के मालिक से विवाद हो गया, जिसके बाद ढाबे के मालिक और वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस बीच आरोपियों ने दलित समुदाय के एक लड़के के कपड़े उतार दिए, क्योंकि एक आदमी डंडे से उसकी पिटाई करने लगा और जब उसके साथी ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे पीट कर दूर भगा दिया, जिसके बाद सभी आरोपी मिलकर सड़क पर गिरे उस लड़के पर टूट पड़े। दलित लड़कों की पिटाई से नाराज निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पिटाई का वीडियो ट्वीट कर आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पकड़वामा पण वधु देर नहीं लगाड़ी, एक आरोपी मड़ी गयो छे अने बीजा पण मड़ी जशे। मारपीट में एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि मामूली रूप से घायल उसके साथी को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में खुद को आरएसएस से प्रेरित बताने वाले अखबार तरुण भारत ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला और अपने संपादकीय में शिवसेना नेता संजय राउत को आड़े हाथ लिया और उन्हें बेताल, जोकर और शेख चिल्ली बता दिया। साथ ही आरएसएस से प्रेरित बताने वाले अखबार तरुण भारत ने उद्धव ठाकरे को उन्हें रोकने की नसीहत भी दे दी। जो आदमी बेताल बड़बड़ कर रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो शिवसेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तरुण भारत अखबार के आरोपों पर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो वो सवाल से कन्नी काटते दिखाई दिए और उन्होंने इस नाम के अखबार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही। चौबीस अक्टूबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन अभी तक प्रदेश में सरकार नहीं बन सकी है। हालांकि बीजेपी आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में सरकार बनाने की बात कह रही है। आने वाले 2-3 दिन में निश्चित तौर पे पुनः एक बार देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री करके शपथ ग्रहण करेंगे। फ्रांस के कैले शहर में आग उगलने वाले ड्रैगन के खिलौने का प्रदर्शन किया। इस नकली ड्रैगन को वहां अर्बन शो नाम के एक फेस्टिवल के दौरान सड़क पर उतारा गया, जिससे मुंह से आग उगलता देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए। करीब 30 मीटर लंबे और 10 मीटर ऊंचे इस ड्रैगन को चलाने के लिए कई मशीनों की मदद ली गई। इस भारी भरकम ड्रैगन को एक गाड़ी के ऊपर रखा गया, जिसकी मदद से यह ड्रैगन सड़क पर असली ड्रैगन की तरह चलता नजर आया। ये नहीं, ड्रैगन के हर हिस्से में खास तरह की मशीनें लगाई गई, जिनकी मदद से वो अपने सिर और पंखों को हिलाता डुलाता दिखा। कई लोगों की एक टीम कंप्यूटर से चलने वाले इस ड्रैगन को चला रही थी, जिनमें कुछ लोग उसकी पीठ पर सवार थे। मुंह से आग और धुआं छोड़ने वाला ये नकली ड्रैगन रात में और भी डरावना नजर आया। अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसले से पहले फिर एक बार सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी नेता विनय कटियार ने उम्मीद जताई कि कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाएगा और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मथुरा और काशी की तरफ भी रुख करने का दावा कर दिया। राम जन्मभूमि पर कोई भी फैसला आएगा, हम मथुरा और काशी की ओर बढ़ेंगे। विनय कटियार के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला और मंदिर की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये भड़काने वाला बयान जो दिया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि वह अयोध्या के बाद रोजी रोटी की तलाश में फिर निकलेंगे। ये भाजपा के बयान भी महारथी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने और इस फैसले से नए भारत के उदय होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, सब उसका स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि इससे मजहबी उन्माद से मुक्त भारत का उदय होगा। महाराष्ट्र